Bismillahirrahmanirrahim and assalamu alaikum students. So today's lecture for class 9th unit number 1, lecture number 3, physics HVT. So today's our topic is significant figure. So basically there are two types of value. Number 1 exact value and number 2 measured value. For getting the significant figures to understand the clear idea about the significant figure, first we have to get idea about the exact values and the measured values. So what are exact values and what are measured values? For example, अभी अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे तीन pencils दे दे या तीन pen दे दे या तीन books दे दे, so these are exact values जिसका हमें exactly पता होता, जिसमें कोई शक नहीं होती. For example, there are if I want you 3, 4, or 5 books, so that is exact value. क्योंकि हमें पता है कि तीन, चार या फिर पांच books हमें चाहिए. These are exact values. Number second, measured value. If I told you to measure the length of the book, length of book. For example, आप में से तीन students को अगर मैं कहूँ कि कोई scale ले ले, कोई foot ले ले या meter rod ले ले, ठीक है, meter rod का जो least count होता है वो होता है 1 mm. 1 mm का मतलब ये है कि वो कम से कम 1 mm तक length जो है वो measure कर सकता है. For example, तीन students है, तीनों के तीनों जो है वो लेंथ फाइंड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एक लेंथ फाइंड करता है 16.5 mm, दूसरा फाइंड करता है 16.6 mm, और थर्ड फाइंड करता है 16.7 mm. सो ये तीनों के तीनों में से ये जो 16 है ना, ये एक्यूरेट है. हमें पता है कि एग्जैक्ट 16 ही है, बट डेसिमल के बाद हमें शक है 6, 5 और ये. तो इसी तरह की जो वैल्यूज होती है इसको हम कहते हैं मेजर्ड वैल्यू, जिसमें एम्बिग्विटी शक व शोभा होता है, और एग्जैक्ट वैल्यू में कोई जो है वो शक नहीं होता. ठीक है, सो दीज नंबर्स, द नंबर ऑफ एक्यूरेटली नोन digits and the first doubtful digit is called significant figures. So इसी में accurately non digits आता है और first doubtful digit आता है. तो यहाँ पे ये भी एग्जैक्ट है, और इसी केस में, इस एग्जांपल में अगर आप देखते हैं तो 16 या 16 जो है वो तीनों में कॉमन है, तो इसी में एक्यूरेटली नॉन डिजिट है, क्योंकि हमें पता है कि 16 इन तीनों में से सेम है, 16 एक्यूरेट है. बट हमें शक किस चीज पे है, फर्स्ट ये 5, 6 और 7 में, तो ये डाउटफुल डिजिट कहलाते हैं. सो ऐसे नंबर जिसमें एक्यूरेटली नॉन डिजिट भी होते और डाउटफुल डिजिट भी होते, उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं. ठीक है, इसके बाद इसके लिए कुछ रूल है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैसे लिखा जाता है, उस रूल्स को डिस्कस करते हैं अभी. रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स. नंबर फर्स्ट, All non-zero digits, all non-zero digits are significant. For example, 1, 2, 3, up to 9. जितने भी डिजिट होते हैं नॉन जीरो, वो जीरो के अलावा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, वो सारे सिग्निफिकेंट होते हैं. रूल नंबर टू, ठीक है, अभी अगर जीरो जो है नॉन जीरो डिजिट, अगर इफ जीरो इज बिटवीन नॉन जीरो डिजिट, सो इट विल बी सिग्निफिकेंट. फॉर एग्जांपल, अभी टू है तो इसी में जीरो है ना, मगर इस केस में तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं. अभी अगर इसी तरह का कोई फिगर आ जाए 1, 2, 3, 4, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स. अभी अगर इसी तरह है,
1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 significant figures है, ठीक है. रूल नंबर 3, लेफ्ट साइड पे अगर जीरोस आ जाए, फॉर एग्जांपल 0.0023. सो इस केस में ये जो लीडिंग जीरोस है, 000, ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, तो इस केस में सिर्फ दो सिग्निफिकेंट फिगर्स है. अभी अगर एक और एग्जांपल 0.003 अगर इसी तरह का आ जाए, सो इसी में ये जो फर्स्ट जीरो होते हैं उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, तो इसमें टोटल जो है वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है. सो लेफ्ट साइड पे जितने जीरोस होते हैं, ठीक है, वो नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं, उसको हम सिग्निफिकेंट कंसीडर नहीं करते. रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 में है कि राइट साइड पे जो जीरोस होते हैं, राइट साइड पे जो जीरोस होते हैं, फॉर एग्जांपल अभी अगर ऐसा है, ठीक है, सो उसमें से एक को हम, सो रूल नंबर 4, इफ द जीरोस आर प्रेजेंट एट द राइट साइड, फॉर एग्जांपल अगर राइट साइड पे जीरोस आ जाए, फॉर एग्जांपल 8000 है, ठीक है, सो इसी में सिर्फ 1 सिग्निफिकेंट फिगर होगा. फॉर एग्जांपल अभी अगर ऐसा है, डेसिमल आ जाए लास्ट में, सो फिर ये जो है वो 4 कंसीडर होंगे, कि देयर आर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स. फॉर एग्जांपल अगर 0 2 है, इसी तरह है 1 2 3 4 5, तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे. अभी अगर इसी तरह है, इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल आ जाए, तो इसमें से 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो फिर काउंट होंगे. फॉर एग्जांपल अभी अगर एक वैल्यू है 0.00200, अगर इसी तरह है, तो ये जो है वो इंक्लूड नहीं होंगे, और यहाँ पे 1 2 3, सो इस केस में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है. तो ये था रूल नंबर 4. सो द लास्ट रूल, रूल नंबर 5, अभी अगर कोई वैल्यू पावर ऑफ 10 में आ जाए, ठीक है, सो पावर ऑफ 10 के अलावा जितनी भी वैल्यूज हो, चाहे जीरोज हो या जो भी हो, वो सिग्निफिकेंट फिगर्स ही काउंट होंगे. फॉर एग्जांपल अभी अगर 6.11 है, ठीक है, मल्टीप्लाई 10^2 मीटर, सो इस केस में ये पावर है, इसको नहीं लेंगे, और टोटल 3 फिगर्स हैं, सो देयर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है. आई होप यू कैन अंडरस्टैंड माई पॉइंट, ठीक है. सो इंशाल्लाह सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू, स्टे सेफ.